दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पावर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को स्टॉक मार्केट के साथ कुछ जुड़ी हुई बातें मैं बोलता हूँ। दूसरी चीज़ ये कहता हूँ कि अगर मान लो स्टॉक मार्केट के अंदर आज आपने निवेश करना शुरू नहीं किया, तो आने वाले दिनों के अंदर मान लो जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, बीमारी आती है छोटी मोटी, जैसे गूगल्स आ जाते हैं, चश्मे आ जाते हैं, पथरी होती है, डायबिटीज होता है, बीपी होता है, निमोनिया होता है बच्चों को, मलेरिया होता है, कितनी सारी चीज़ें, अगर मान लो कोरोना पार्ट वन है, कोरोना पार्ट टू है, तो ऐसी कोई भी चीज़ अगर मान लो भविष्य में आ गई तो उसके सामने आपको लड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी। बिकॉज के जो सिस्टम का ढांचा है वो उस हिसाब से तैयार हुआ है, और वो सिमुलेशन थियरी, इसमें सिस्टम का कोई वाक नहीं है, मतलब कोई गुनाह नहीं है सिस्टम का। यहाँ पर आप बोल रहे हो महंगाई बढ़ रही है, गैस के बाटले के भाव बढ़ रहे हैं तो और बढ़ेंगे। अगर मान लो आप बोल रहे हो तेल का दाम बढ़ा है तो और बढ़ेगा, लेकिन हमारा जो गोल प्लान है लाइफ का, वो अगर हमने सेट नहीं किया है, तो जो कंपनियां हैं उन्होंने अपना लाइफ प्लान जो सेट किया है तो वो कंपनियां कमाएगी, लेकिन आप जो है हमेशा एक ही शिकायत करते रहोगे कि भैया महंगाई का दर जो है बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमारी जो आमदनी नहीं बढ़ती है। तो आमदनी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कई सारे इंस्टीट्यूशन ओपन किए, जिसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। बराबर, आप जहाँ पर अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए रखते हो, तो किसी किसी कोई कहता है मनी मैनेजमेंट, कोई कहता है फंड मैनेजमेंट, कोई कहता है कि भैया MBA। बराबर, बिजनेस मैनेजमेंट। तो सारी चीज़ें एक चीज़ साबित करती है कि वो क्यों, तो वो होता है यहाँ पर आपको अदानी पावर का मैंने चार्ट दिखाया, और उसके साथ में मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरा ग्रुप है, और ये मेरे ग्रुप के अंदर जो लोग ज्वाइन होते हैं, तो उन लोगों को मैं ये चीज़ समझाता हूँ कि म्यूचुअल फंड, SIP, बॉन्ड के साथ आपको खुद को भी अपनी लाइफ के गोल खुद सेट करना, मतलब कि वो अगर मान लो 3 महीने के बाद, 3 साल के बाद आपको कमा के देता है, तो आप उस सिस्टम का उसके साथ आप ऐसा ढांचा बनाओ कि आप ये चीज़ सीख लो, SWPA सिस्टम सीख लो। SWPA सिस्टम ऐसी सिस्टम है जो हमारी भारत की बहनें, जो 18 साल का बच्चा या फिर कोई भी उम्र के दायके का यहाँ पर इंसान कर सकता है, मतलब कोई भी कंपनी में आप जॉब करते हो, आप अंडर गवर्नमेंट जॉब करते हो या गवर्नमेंट के अंडर आप जॉब करते हो, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे कुछ आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ऐसे दिखाई देंगे जो अंडर ट्रैफिक होंगे, मतलब कि अभी कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे, जैसे सारे कॉन्ट्रैक्ट वाले जैसे होमगार्ड लोग होते हैं, तो ये भी अपना बिजनेस प्लान यहाँ पर बना सकते हैं और गोल प्लान अपना बना सकते हैं। बिना गोल आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। एक चीज महत्व की और कहना चाहता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज अगर मान लो कोई इंसान जो है अपनी आमदनी तय कर लेता है कि यार अब 8,000 में गुजारा चल पूरा पूरा ना मेरे को है ना गुजारा करना पड़ेगा, कोई जो बोल रहा है कि 35,000 सैलरी से यार क्या होगा, मुझे 5-6 हज़ार ज्यादा मिल जाए। बराबर, तो आप फिल्में देखते हो, फिल्मों के अंदर एक चीज कॉमन आपको दिखाई दी, मेरे करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन पिक्चर के अंदर, शोले फिल्म आपने देखी, शोले में अगर आएंगे तो देख लेंगे, आएंगे तो देख लेंगे, डायलॉग बोला था बच्चन साहब ने, डायलॉग बोला था। बराबर, तो कहने वाले ठाकुर साहब को अगर बोली दिया तो दो है काफी है, आएंगे तो देख लेंगे, मतलब कि वो पिक्चर जो है वहां पर हिट होगी। मतलब हर जो है चीज होती है यहाँ पर, पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो 14 नियम ब्रह्मांड के वो, तो आप ब्रह्मांड के नियम को नहीं जानते हो, तो आपको ज्ञानदीप माइंड पावर जो ब्रह्मांड के नियम को आपको याद दिलाने की कोशिश करेगा कि आप जो सोच रहे हो वो थॉट्स पावर जो है ना वो ब्रह्मांड में जा रही है। मतलब आपने उतना ही सोच क्यों लिया, मुझे ये बताओ पहले कि 35,000 में ही मेरा गुजारा चल जाएगा और 5,000 मुझे ज्यादा मिलेगा। क्या आपको ब्रह्मा ने वहां से जो ब्रेन दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी हो क्या उस हिसाब से ही तोल मोल के दिए? कहने का मतलब कि आप अगर मान लो रोज सुबह उठ रहे हो, दियावती कर रहे हो, और ये दियावती करने के साथ ये बोल रहे हो कि हे भगवान मेरा दिन अच्छा जाए, तो क्या बाकी के लोगों का दिन अच्छा नहीं जाना चाहिए? आप हमारे लिए यानी खुद के लिए हमेशा मांग रहे हैं, हमने कभी किसी और के लिए नहीं मांगा। आप देख रहे हो छोटी सी लड़की जो दो हाथ फैला रही है और ये बोल रही है, ये जो है दो हाथ फैलाकर सूर्य की किरण ले रहे हैं, मतलब के ये जो ऊर्जा है मेरे भीतर आ रही है, इस ऊर्जा को मैं लोगों को समर्पित करता हूँ, जैसे मेरा वीडियो आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ, ये पूरा डिटेल में, मतलब कि आप देख लो, विश इंटेंशन रिसीव, मतलब कि आपने विश की, आपका इंटेंशन क्या था, यहाँ पे मेरा इंटेंशन क्या है कि मेरा भारत, मेरी भारत की बहन है, मेरे भारत के भाई और मेरे भारत के जो स्टूडेंट है, बच्चे बच्चियाँ हैं, वो लोग स्कूल की पढ़ाई के साथ ये भी सीखे, बिकॉज कि ये सिस्टम का ढांचे है ना, ये स्टॉक मार्केट को साथ में सिखा नहीं रहा है। जो बचपन में आप स्कूल के अंदर कंपास बॉक्स लेके जाते थे ना, वही स्टॉक मार्केट था, जो बीज ये नहीं था आपने सीखा वही स्टॉक मार्केट था, और जो आपने स्टेटिस्टिक सीख रहे स्कूल के अंदर वही स्टॉक मार्केट था कॉलेज के अंदर, यानी सारे की सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट है ना, आप बचपन से सीखते हैं, मतलब कि आपको है ना, मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसका रूल्स लाए और इसे है ना 8वीं कक्षा से ही ज्वाइन कर दे, बिकॉज के वहाँ पे है ना ब्रेन जो होता है ना वो एक नई मात्रा में पहुँच जाता है, मतलब नया डेवलप। अगर मान लो 5G के बारे में पता चलने लगा
छोटा बच्चा अगर माइक में बोल के एप्लीकेशन खोल लेता है उसको गेम की, तो क्या उसको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आएगा? इतना मुझे बताओ, टेक्नोलॉजी जा रही है लेकिन मान लो रीडेवलपमेंट के अंदर मान लो तनख्वाह अगर नहीं बढ़ रही है और ईएमआई का चक्कर बढ़ रहा है और ईएमआई के अंदर ही पूरी जिंदगी निकल रही है और ईएमआई खत्म होते होते अगर मान लो पेंशन प्लान आता है तो पेंशन प्लान भी लेने के लिए और ज्यादा ईएमआई के लिए जो लोन है वो प्रोवाइड की जाती है। मतलब आप सोचो कि मरता हुआ इंसान भी जो उसके बच्चों के लिए लोन रख के जाता है, कि बच्चा जो है ना वो सिस्टम के ढांचे में रहेगा। मतलब माइंड सेट, तो माइंड सेट कहने का मतलब यहाँ पे आपने विश किया, यहाँ पे इंटेंशन लिया और रिसीव हो गया, मतलब कि ये चीज जो आपको मिल गई। तो मांगो मानो पाओ, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कि आपका ध्यान अगर यहाँ पे आएगा तो आपका ध्यान यहाँ पे आएगा। फोकस को स्ट्रेडल के अंदर डाइवर्ट करना, ये जो है ना जैसे बेटा तेरा अच्छा हो जाएगा, चिंता नहीं कर, लेकिन कैसे अच्छा होगा? अरे भैया ये तो बताओ कैसे अच्छा होगा? मुझे अगर कोई आशीर्वाद देता है तो मैं बोलता हूँ कैसे अच्छा होगा? अच्छा होगा लेकिन कैसे अच्छा होगा ये तो मुझे बताओ, तो उसके पास है ना जवाब नहीं होता है। तो अगर मान लो किसी के पास जवाब नहीं है तो इतना बता दो कि पूरा ज्ञान भी नहीं है, तो हो सकता है मेरे अंदर भी पूरा ज्ञान नहीं हो, तो आपसे ज्ञान मिल जाए। इसलिए तो बोलता हूँ कि यहाँ पर भानु स्टॉक ब्रोकरिंग जो है कंपनी है और इस कंपनी के अंदर हम लोग बैठते हैं और यहाँ पर हमारा जो एसोसिएट चलता है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग इस कंपनी के अंदर क्या करते हैं टर्मिनल चलाते हैं, मतलब कि एनएससी बीएससी रजिस्टर जो है यहाँ पर बराबर। आप पूरा डेटा यहाँ पे देख सकते हो, आपके गूगल के अंदर आपके पास भी ये गूगल के अंदर प्रेजेंट है और आप इसका डायरेक्शन वो भी है। तो यहाँ पर ये कंपनी करती क्या है, यहाँ पे एनएससी बीएससी रजिस्टर ये कंपनी क्या करती है, म्यूचुअल फंड एसआईपी बॉन्ड और काफी सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट के जो प्लान होते हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो डीमैट ओपन प्रोसेस है आपको एसीएमएल कैपिटल मार्केट के अंदर आपका जो लॉग इन है वो हो जाएगा। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर रखिए, अगर मान लो व्हाट्सएप नंबर मेरा मिल गया आपको ये मिल जाएगा, तो आप क्या करना डिस्क्रिप्शन में रखा है और मैं ऐसे भी इस पर रखता हूँ, तो वो आपको मिल गया ना। तो यहाँ पर आपके करना कुछ नहीं है, आपको डीमैट ओपन करना है और डीमैट ओपन करने के बाद में चीज़ें समझनी है कि मार्केट कैसे चलता है, तो मार्केट चलता है बैंक रेपो रेट से। ये चीज़ बहुत महत्व की है। अगर मान लो आप सीख रहे हो, स्कूल पढ़ रहे हो, स्कूल के बाद में आपने पंचवर्षीय योजना पढ़ी और पंचवर्षीय योजना के बाद में आपने ठहराव पढ़े और ठहराव के बाद में आपने सारी की सारी चीज़ें पढ़ के आप मान लो लोकशाही पे आए, आप अलग अलग शाही पे आए और ये चीज़ पर आ गए, इकोनॉमी पर आ गए, अर्थशास्त्र पर आ गए। अब कॉलेज में इकोनॉमी का एक वर्ड आता है अर्थशास्त्र और दूसरा एक आता है स्टेटिस्टिक, ये दोनों मिला के इसका जो मिलन होता है ना, तो ये होता है रेपो रेट। और रेपो रेट के हिसाब से मार्केट में टारगेट मिलते हैं ऊपर के और टारगेट मिलते हैं नीचे के, मतलब हाई और लोअर उसी हिसाब से मिलते हैं और उसी हिसाब से आपको जो साल है उतने साल का मान लो आपको टारगेट मिल जाता है। कि देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि अदानी पावर के अंदर आपने अगर निवेश किया होता बराबर, तो अदानी पावर जो यहाँ पर कितने प्राइस पर, 142 पर, और ओपन कब हुआ 97 पर, 97 पे इसकी जो रेपो रेट थी वो कितनी थी, तो तब 5.60 थी, तो 5.60 के यानी 5.65 थी, 5.65 के हिसाब से कहाँ पर गया 140 पे गया। उसके बाद में गिरा 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 गिरा, देखो कहाँ पे गिरा 20 रुपये 40 पैसे पर आया। और ये लिस्टिंग कहाँ पे हुआ था 2010 में और 2018, मतलब क्या आप देख लो टोटल 2010 से 2018, मतलब कि 8 साल का वनवास इसका, लेकिन 8 साल का वनवास पूरा करने के बाद में क्या हुआ इसका देख लो, ये भी 525 का ही देने के लिए जा रहा है, कहने का मतलब 525 और 527 की इसकी अपर सर्किट है, बिकॉज कि यहाँ पे इसने डबल टॉप बॉटम डबल बॉटम दिया था, 14.45 का डबल बॉटम। तो 14.45 पर अब कौन सा स्टॉक है जो एसडब्ल्यूपी की सिस्टम के हिसाब से ऊपर जाने वाला है, तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो 14 साल का वनवास पूरा कर चुकी है, तो वो जाकर आपको 20 रुपये अंडर वैल्यू एसेट्स वाली प्रीमियम ढूंढनी है कि 20 रुपये के नीचे ऐसे कौन से स्टॉक है जिनको 8 साल हो गए और 12 साल हो गए। तो ऐसी काफ़ी कंपनियां मिलेगी आपको, यस बैंक मिलेगी आपको, पंजाब नेशनल बैंक मिलेगी आपको। 20 रुपये के नीचे वाली जो स्टॉक की कंपनियां ढूंढ लियो, तो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनियां ढूंढ लेना, आपको बैंक भी मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसी कंपनियां मिल जाएगी वहाँ पे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के आपको फाइनेंस कंपनी के स्टॉक मिल जाएंगे, ढेर सारी कंपनी के नाम 20 रुपये के नीचे 30 रुपये के नीचे। वो जो कंपनियां जो होती है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, और अंडर कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां जो होती है इस म्यूचुअल फंड के हिसाब से मान लो गिरा 140 से, तो उसे भी नुकसान नहीं हुआ बिकॉज कि उसने जो 5 लाख रुपए निवेश किए थे, 50 लाख निवेश किया, 5 करोड़ इससे 50 करोड़ निवेश किए थे, तो वो डेली बेसिस पर इतना कमा कमा कर वो अपने प्राइस को गिरा रहे थे। मतलब कि वो लोग इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन ये इंटरेस्ट लेना आम इंसान को नहीं आया। जैसे ये 408 लिखा है तो वैसे ये 1408 लिखा है, तो वैसे ही देख लो यहाँ पर क्या लिखा है 146 लिखा है। मतलब पहला जो इंटरेस्ट था 148 146 का लिया इन्होंने, 146 के बाद में ये सपोर्ट को तोड़ दिया 95 रुपये का,
और उसके बाद में वो 95 से 57 पे 59 पे आया, और उसके बाद में टारगेट दिया देखो 95 का, मतलब के SWP सिस्टम के अंदर इन्हें कोई भी लॉस नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा गिरते भी प्रॉफिट लेके आया। मतलब के 50,000 की कैपिटल अगर मान लो 5,000 के निवेश पे आ जाती है तो अभी उनका प्रॉफिट जो होता है वो तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए का उनका, मतलब वो आंकड़ों के अंदर 700 या 800 या 900 गुना मुनाफा होता है, कभी कभी 1,000-1,200 गुना मुनाफा होता है, यानी डिक्रीजन सिस्टम के अंदर प्रॉफिट लेना। और यहाँ पे इंसान क्या करता है, अरे यार मैंने तो अदानी पावर लिए थे और मैंने बेच दिए, 20 रुपया आ गया मेरे डिमेट में तो पैसा, लेकिन डिमेट में पैसा कहाँ से होगा, बिकॉज कि आपने 1 लाख का जो डिमेट था वो 1 लाख का पूरा का पूरा वहाँ पे पूरा कर दिया। अरे कंपनियाँ तो बहुत सारी मिलती है ना, ढेर सारी मिलती है, आपके पास जितनी लिमिट है लेने की, अगर मान लो 20D का प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि 100% आपके पास पैसा, तो आपको 20% पैसा ही लगाना चाहिए, बाकी जो है वो आपको आपके पास सेफ रखना चाहिए। तो अगर मान लो उस साल के अंदर मान लो जिसने धीरज रखी, 8 साल तक धीरज रखी, और 8 साल के बाद में जिसने रखा वो स्टॉक, तो उसको कितना मुनाफा मिला, तो यहाँ पर कितना डबल बॉटम है, तो यहाँ पर 1600 16.45 का डबल बॉटम है, तो ऊपर का हाई कितना है, तो ऊपर का हाई जो है 517 का हाई और 527 का हाई है, मतलब के नीचे गिरते भी कमाए और ऊपर चढ़ते भी कमाए। तो इस तरह से ये सिस्टम जो है ना, ये SWP प्लान जो है फॉलो करता है, मतलब कि आपको इस सिस्टम में आना है, हमसे बेसिक सीखनी है, और वो जो बेसिक है आपको यहाँ से सीखनी है, रेपो रेट से सीखनी है, GDP से सीखनी है और सपोर्ट से सीखनी है, मतलब कि एक साथ पूरी कंपनी जो है ये पूरी टारगेट नहीं देती, वो टुकड़ों में देती है, मतलब सपोर्ट ले लेके, मतलब कि भैया उल्टी दिशा के अंदर जिनके कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने बाद 3 महीने पहले से होते हैं, जिन कंपनियों के 2 महीने पहले से होते, 1 महीने पहले से होते, जो कॉन्ट्रैक्ट पहले लगा के बैठते हैं, जो आंकड़े आपको दिखाई नहीं देते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी तो कमाना चाहिए ना, इसलिए तो बार बार सपोर्ट पे मार्केट आता है ना, कभी कभी मान लो थोड़ा बढ़ गया तो रिटेस्ट करने के लिए, मान लो 7 दिन बढ़ा तो 4 दिन तो रिटेस्ट में लग गए, फिर 2 दिन वापस सेटलमेंट में लग गए, तो जैसे भी बैंक निफ्टी सेटलमेंट कर रहा है, और ये बैंक निफ्टी का जो पूरा ग्राफ है, और मेरे मेरा जो इसका ग्राफ है, भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो मेरा बैंक निफ्टी है, हमने सुबह मॉर्निंग के अंदर सी जो था, ये सी था 359 का हाई दिया ना, ये सी ने 277 का यहाँ पर क्लोजिंग दिया था, पहले तो लोअर जो है ना ये क्लोजिंग, प्रीवियस क्लोजिंग था ना ये 263 नहीं था, 277 था, इसका लोअर जो था ना 263 नहीं था, इसका लोअर जो था 238 था, और 238 की SL के बाद में ये गिरा ना, तो 238 का उल्टा कर दो 831, मतलब 821 इसका टारगेट गया, मतलब 43,800 की स्ट्राइक ने 843 रुपये का हाई दिया, कहने का मतलब। तो ये चीज होती है, ये लोअर और हायर के मैनिपुलेटिंग के अंदर डिसीड होती है, मतलब कि 238 का यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है ताकि आप आंकड़ों को पढ़ नहीं पाओ, लेकिन रियल में जब मेरा ट्रेडिंग चल रहा था, जब मेरा लिमिट पड़ रहा था, तो मैंने 240 की लिमिट लगाई, तो 238 पर वो लिमिट लेने के लिए गया, मतलब 263 का यहाँ पर जो डेटा दिखाई दे रहा है, और प्रीवियस का जो डेटा दिखाई दे रहा है 276 का क्लोज का, तो वो दोनों के दोनों गलत दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर जो 337 है और 337 के बाद में ये जो हाई है ना पूरा का पूरा 238, मतलब 832, तो 881 का इसने हाई दिया, कहने का मतलब आप सोचो कि मार्केट कहाँ पे गया, आप सोच लो, ये चीज होती है ना, ये हमारे पास आपको सीखने मिलेगी। देख लो अगर टुकड़ों में कमाना चाहते हो तो टुकड़ों में मिलेगी, अगर मान लो सेंटर के अंदर आपको टारगेट भी निकल गया तो टारगेट भी मिलेगी, तो आप देख सकते हैं ये वाला वो कॉल है 43,900 का 831, मतलब कि लोअर जो है वो 338 का लोअर और 338 की SL थी, 238 की SL थी, 338 से गिरा, 238 की SL थी, 238 की SL जो है ना यहाँ पर चलेगी, मतलब 43,900 ने यहाँ पर दे दिया हाई 831, मतलब कि यहाँ पर MTM जो है 90 रुपया मैंने यहाँ पर जब बुक किया, और वो बुक करने के बाद वो प्रीमियम देख लो कहाँ पे चला गया, आप सोचो पहले, मतलब के आप मान लो डर रहे हो और डर के प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हो मान लो, तो आपको है ना ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई मैं प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए अब क्या करूंगा, तो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आपको मैंने कॉल दिया था यहाँ पर निफ्टी का, और निफ्टी का जो कॉल दिया था ना वो मैंने राइट टाइम पे दिया था, और राइट टाइम के अंदर मैंने बोला चलो एक ट्रेन छूट गई कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरी ट्रेन के चढ़ेंगे और दूसरी ट्रेन में कमाएंगे, तो वो जो कॉल है ना मैंने यहाँ पे दिया था मेरे निफ्टी में मेरे भाइयों को दिया था, ये रहा वो कॉल निफ्टी का, शायद ये रहा वो कॉल 19,900 का कॉल, और 19,900 का कॉल जो है ना 166 का यहाँ पर लोअर देने के लिए गया था, और मैंने इसी चीज़ को फॉलो किया, बस ऑप्शन चेन के अंदर इसी चीज़ को फॉलो किया कि ये अगर मान लो सही है तो ये भी सही है, और ये सही है तो मेरा कॉल भी सही है, तीनों चीज़ें सही होने चाहिए। दूसरा आपको प्रीमियम के बारे में पता चलना होना चाहिए कि 7 दिसंबर पर बैठने वाले जितने भी पुट ऑप्शन बायर है,
जिसको कहते हैं कि रिटेलर, और रिटेलर को अगर पता नहीं है कि अगर मान लो यही चैनल पूरी पूरी शॉर्ट स्कोरिंग में चली गई, तो उनको है ना कमाने का मौका नहीं मिलेगा, उनको लॉस बुकिंग करना पड़ेगा कुछ भी करके। और इसीलिए ये सीख जो है समझ रहा हूँ मैं, और लोगों को समझा रहा हूँ कि भैया शॉर्ट्स में बैठा मत करो, बिकॉज कि यहाँ पर अगर मान लो आपने पुट सेलिंग के लिए बैठे हो, अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर मान लो ये ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, तो समझ लो कि वो भाई साहब जो है ना आपके प्रीमियम को पूरा खा जाएंगे। वो कौन से भाई साहब हो गए पता है? 7 दिसंबर वाले भाई साहब हो गए, जो खा जाएंगे आपको पूरा पूरा निकल जाएंगे। और भी कॉल साइड वाले, मतलब कि पुट जो होती है ना वो सेल होती है, और पुट सेल होती है तो शॉर्ट कवरिंग आती है। जैसे मार्केट नीचे गिरता है तो अनवाइंडिंग होता है ना, तो मार्केट देख लो एक बार दो बार तीन बार, तो ये कितनी बार ऊपर गया? एक बार दो बार, अभी तीन बार और चार बार जाना बाकी, मतलब चार टॉप देना बाकी है। इतनी आसानी से मार्केट नीचे गिरता भी नहीं है कहने का मतलब। तो ये चीज़ें आपको कौन सिखाएगा? ये SIP कैलकुलेटर सिखाएगा। तो कहने का मतलब आपको मैं शुरू से वापस से रिविजन करता हूँ कि ये चीज़ पहले होनी चाहिए, आपकी तनख्वाह जो आपको बढ़ानी है। दूसरा, आपके पास स्मार्ट प्लान होना चाहिए। स्मार्ट प्लान होना चाहिए कि स्मार्ट प्लान क्या है कि आपकी आमदनी को बढ़ाओ, और उसके लिए चैनल जो कौन सी होनी चाहिए, तो वो मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। मैं क्योंकि मैं यहाँ पे बैठता हूँ, तो हो सकता है कि आप अगर मान लो मुझसे इमोशनली या प्रोफेशनली या स्पिरिचुअली या माइंड पावर के जरिए आप अगर जुड़ना चाहते हो, योगा के जरिए अगर जुड़िए, मान लो चार कॉन्सेप्ट और एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे, तो उसके साथ भी जुड़ना चाहते हो, जैसे ग्रह नक्षत्र के बारे में बता सकता हूँ कि भैया अभी पुट लेने का टाइम नहीं है सोनर चांदी का, अभी कॉल का टाइम है, बिकॉज के पूना में भी गई है, मतलब कि चौथ तक आपको शॉर्ट्स नहीं करना है गोल्ड को। मैंने मेरे ग्रुप के अंदर मेरे मेरे जो एक दोस्त है वो एक कंपनी के मालिक है, और उनको मैंने बताया था सर जो है ना गोल्ड में शॉर्ट्स मत करना और सिल्वर में शॉर्ट्स मत करना, बिकॉज के ग्रह नक्षत्र जो है ना उसके ऊपर की दिशा में दिखा रहे हैं, नीचे की दिशा में नहीं दिखा रहे। तो पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन एक चीज़ जरूर बता दूँ कि आपके अंदर मान लो ये है, आपके अंदर मान लो ये है, तो वो चीज़ बहुत ही आसान है, जिसको कहते हैं 369 का कोडिंग। तो 369 का कोडिंग किसको कहाँ पे काम करता है? आपका बैंक रेपोरेटर पे काम करता है। तो 369 का कोडिंग सीखने के लिए ये चीज़ जो है ना आपको बहुत काम में आने वाली है। 369 मेथड अट्रैक्शन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पार्ट है। तो ये जो पार्ट है ना, ये मान लो आप सीख गए समझ गए, तो इतना जरूर बता दूं कि आपको लिमिट लगाना आ जाएगी। मतलब लिमिट का मतलब है कि 369 का अगर हाई दिया है, और इसकी जो लिमिट ऑर्डर पड़ी है 240 का, 238 का लिमिट ऑर्डर पड़ा है, तो 100% वो कॉल जो है वो 813 का हाई देगा। तो लिमिट और SL कौन सी लगानी है आपको? 238 के बाद में SL कौन सी लगानी है आपको? SL लगानी है 238 के बाद में 213, यानी मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आप सोचो कि 369 का कोडिंग का मतलब ये होता है कि भैया यहाँ से आपको ये सीखना है कि 369 का मतलब क्या है, मतलब श्री यंत्र का मतलब क्या है। ये चीज़ें जो है ना, ये लोगो पूरे ये श्री यंत्र के लोगो है, देख लो यहाँ पे 369 का मतलब देख रहे हो आप, लोगो देख रहे हो, ये पूरी की पूरी हमारे भारत की जो संस्कृति है, जो पिरामिड कहो या फिर आप जो भी आप धर्म के हो वो कहो, तो ये सारी की सारी हमारी पिरामिड से जुड़ी है और हमारी श्री यंत्र से जुड़ी है, बराबर, और स्वस्तिक से जुड़ी है। आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होगी, तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। और ये जो कॉल है मेरा 240 का मेरा टारगेट था वो गया, 236 की अपर सर्किट थी वो वहाँ पर नहीं गया, लेकिन इतना भी मुनाफा अगर मान लो मिलता है और कहीं आपका लॉस बुक किया हो छोटा मोटा, और वो लॉस अगर कम निकला हो और यहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुक करते हो, तो 100% आपको मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर 100% प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा और मिलेगा, और आराम से ये जो प्रॉफिट है ना वहाँ पर हमने बैठ कर निकाला है। मतलब कि ये 221 पर मैंने जो मेरा टारगेट जो है ना 210 ही लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया मैंने, बिकॉज ये थोड़ा सीखो और ज़्यादा बोलते हैं ना कि ज़्यादा सीखो और थोड़ा कमाओ, लालच नहीं रखनी है हमें, लेकिन सीखना ज़्यादा है। सब कुछ आता है यहाँ पे, 369 भी आता है, बैंक रेपो रेट भी आ रहा है, GDP भी आ रहा है, और ये भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन सीखो ज़्यादा कमाओ कम। अगर मान लो 365 दिन के 252 दिन अगर मान लो आपने इस रूल्स को फॉलो किया, अगर लाइफ में रूल्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लाइफ में रूल्स है तो बहुत कुछ है। रूल्स को फॉलो किया, मेडिटेशन को फॉलो किया आपने, और कुछ चीज़ें अपनी आपने डाली कि भाई नहीं मुझे अपने एक नए रूल्स बनाने, तो 100% आपका जो बॉटम है यहाँ से जाएगा और यहाँ पे उड़ेगा। तो सारी की सारी चीज़ें जो होती है ना, जैसे ये अभी मैं थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ, पूरा का पूरा ड्राइंग जो मैंने पहले एडवांस में करके रखा था, और उसी एडवांस के माध्यम से जो स्टॉक जो है वो उस तरह से उड़े, मतलब ये पूरा ग्राफिक्स जो है ना मेरे कोई भी वीडियो के अंदर आप देखोगे ना, और आप कोई भी स्टॉक मुझे बोलो, कोई भी स्टॉक आप मुझे बोलो, तो वहाँ पे आपको ये डिज़ाइन देखते मिलेगी। मतलब ये पूरा हिसाब किताब मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। मेरी ऑफिस के अंदर है ना बहुत सारे लोग जो होते हैं ना आते हैं वहाँ पे, बराबर, एक भाई साहब जो आए उन्होंने बोला कि इरडा का जो है ना आज है ना IPO का लिस्टिंग हुआ है, और इरडा जो है मुझे कहाँ पे बेचना है,
तो मैंने बोला भाई साहब जो है ना ईरड़ा को अगर बेचने जाओगे ना तो आपने जो लिस्टिंग हुआ है तो उसमें मिनिमम प्रॉफिट आपको होने वाला है बराबर। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ईरड़ा को कब बेचना है। तो ईरड़ा का अभी एक नया नया फुटबॉल जिसे आप बच्चे को लाके देते हो, नया नया खिलौना बच्चे को लाके देते हो ना, तो बच्चा क्या करता है पता है, उस फुटबॉल को है ना खेलता है, मतलब थोड़े दिन तक खेलता है। तो यहाँ पर मेरे ग्रुप के अंदर ईरड़ा जो है आपको देखने मिलेगा, और वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि हमने ईरड़ा को कहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, और वो प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी हमें मिली, और 55 रुपये पर हमने बाई किया, और 55 रुपये में बाई करके इसका जो क्लोजिंग वो 60 रुपये आया, और इसको हमने 24 रुपये यहाँ पे मतलब कि ऑप्शन के अंदर कमाया, और हमने ईरेडा पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, और इन्वेस्ट के अंदर यहाँ पे भी कमाए। मतलब कि यहाँ एक मिस्टेक हो गई थी कि 90 रुपये पर निकल गया था, और टारगेट जो है 831 तक गया बराबर, और लोअर इसका मुझे पता था, वो लोअर पे मैंने बाई किया था, हमने 2 बार कमाया पैसा यहाँ पे, तो कोई अफसोस करने वाली बात नहीं थी यहाँ पे। और बाकी सारा स्टॉक देखो यहाँ पे फिन पाइप है, मॉर्फिन लॉब है, जो अगले 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के टोटली हायर लोअर के साथ इस SW की प्लान के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब क्या आपको कौन से स्टॉक ऊपर जाने हैं, कौन से इंडेक्स ऊपर जाने हैं, कौन सी बोलते हैं ना मार्केट में कौन सी डिमांड ज़्यादा आने वाली है, मतलब बीमारी हो या कपड़ा हो या कॉस्मेटिक्स हो या मेटल हो या सोना हो या चांदी हो या गेहूं हो या ज्वार हो या सोयाबीन हो या तेल हो या गैस हो, अरे सारी चीज़ें है ना यहाँ पे डिमांडेबल ही है। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी डिमांड बढ़ेगी, जितनी कंपनियां बढ़ेगी उतनी सप्लाई बढ़ेगी, जितनी कंपनी को जहाँ से माल लेना है मैन्युफैक्चरिंग में से, अगर मान लो इम्पोर्ट करना है तो ऑर्डर देना पड़ेगा, और रेपो रेट को बैलेंस रखना पड़ेगा डॉलर और भारत की करेंसी के पास। कितना बोलूँ मैं, मुझे बताओ। चलो कहने का मतलब हमारे भाई, भारत की जो बहनें हैं, भारत के जो भाई है, और भारत के जो बच्चे हैं स्टूडेंट हैं, मान लो मेरी लड़की है अभी 18 साल की लड़की है, इसने अभी एक कोर्स पूरा किया, और वो कोर्स पूरा किया ना तो मैंने उसे ना सीधा स्टॉक मार्केट सिखाना शुरू कर दिया। मैं बोला बेटा है ना मेरा भविष्य में तुझे लोन किया ना बहुत जबरदस्त वो देने वाले हैं। अब तेरी मान लो 22-25 साल की उम्र हो गई और तेरा रिकॉर्ड मान लो बैंक में अच्छा है, तो एक मोबाइल लेने चली जाएगी तुझे लोन दे देंगे, तो लैपटॉप लेने जाएगी तुझे लोन दे देंगे, लोन की EMI भरती रहेगी 3 साल 5 तक भरती रहेगी, जीरो जीरो बोलते ना जीरो ब्याज पे लोन मिल जाती है बजाज फाइनेंस में से, तो आपको लोन मिल जाएगी। और लोन लेने की जो आदत है ना, तुझे घर लेना है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, जो भी कुछ लेना है वो लोन ले, मतलब कि अपनी जीवन की आधी संपत्ति, मतलब कि ये जो रेपो रेट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये बैंक रेपो रेट दिखा रहा हूँ, इसका मतलब एक चीज़ समझ लेना कि आप एक तिहाई भाग, मतलब के 100% में से 15% अगर मान लो आप वहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो, तो बाकी 85% के अंदर जो 2.90% है आप सिर्फ कैपिटल के अंदर, उन्होंने जो लोन दिए वो अमाउंट आप पे कर रहे हो, उन्होंने जो लोन लोन दिए ना वो अमाउंट आप पे कर रहे हो, वो है सिर्फ आपका इंटरेस्ट, सिर्फ आपका इंटरेस्ट। 3 साल तक सिर्फ इंटरेस्ट पे करोगे, उस तरह का सिस्टम का ढांचा बन चुका है। मतलब वर्ल्ड बैंक जो है ना वो नीचे झुक के गिरने वाली नहीं है। वर्ल्ड बैंक ये नहीं सोचेगी कि मेरा रेपो रेट मैं कम करूं, भला मैं मेरा रेपो रेट क्यों कम करूं। RBI जो है वो भी अगर रेपो रेट कम करने गई तो भी फंस जाएगी, बिकॉज के वहां पर उन्होंने लोन दे के रखी है। मान लो 1 महीना या 1.5 महीना भी अगर मान लो लोन की EMI मान लो कट के आते हैं ना, तो बैंकों ने जो एक्सपेंस है उनके, मिसलिनियस एक्सपेंस है और उनके बड़े बड़े खर्चे हैं, वो पूरे कहाँ से निकाल लेना वो सोच में पड़ जाएगी। भैया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हर किसी को हर चीज़ नहीं आती है, लेकिन सिस्टम के ढांचे ने हर चीज़ को हर चीज़ से कनेक्ट किया, जिसको कहते हैं मर्ज होना। मर्ज होना मतलब आपको नहीं होता है, आपको नहीं आता था मुझसे मर्ज हो जाओ, अगर मान लो इतनी आसानी से बता रहा हो तो मुझे आता भी होगा। अरे यार थोड़ा बहुत 90 रुपये भी प्रॉफिट, कोई कम प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज कि हम लोग पहले प्रॉफिट ले चुके थे, हमने उस कॉल पे 115 से एंट्री ली थी और 277 में हम लोग 240 पे निकल गए थे, मतलब हमने प्रॉफिट नहीं लिया ऐसा नहीं, इसके पहले की वीडियो में आपको प्रॉफिट मिलेंगे, लेकिन सच बोलना ईमानदारी से ये सबसे बड़ी खासियत है, झूठ बोलकर बिजनेस बढ़ाना ये अपनी बेवकूफ़ी है, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर आप सीखे, भारत के बच्चे जो है, मेरी लड़की को सिखा रहा हूँ, इसलिए सिखा रहा हूँ कि बेटा तुझे भविष्य के अंदर तेरी आधी जो जिंदगी है वो इंटरेस्ट पे करने में ना चली जाए, तुझे सारी चीजें कैश में भले नहीं लानी हो लेकिन तेरे पास पैसा जो है ना 70% तो होना ही चाहिए उस चीज लेने का, तो तुझे कौन देगा, वो तुझे देगा स्टॉक मार्केट, और कोई नहीं देगा। और वो स्टॉक मार्केट में सिलेक्शन कैसे करना है, तो मैं इतना अगर जान रहा हूं तो मेरी बच्ची को कितना सिखाता होगा मुझे बताओ। चलो मेरी 3 लड़कियां हैं और तीनों 3 लड़कियों को मैं वीक के 2 दिन 2 घंटे लगातार स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाता हूँ, भी 1946 से लेकर, नेहरू जी से लेकर आज तक का पूरा डेटा।
और फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट भी सिखा था उन लोगों को, ताकि उनके पता चले कि भैया बारिश अगर आ गई है ठंड के अंदर तो कपास जो है ना बिगड़ जाएगी, मतलब कॉटन के भाव जो है बढ़ जाएंगे, मतलब कपड़ों के भाव बढ़ जाएंगे यहाँ पे, बिकॉज के सभी लोगों के जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब सभी खातों के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे पुलिस खाते में नए कपड़े देना, भैया नया नया सिविल इंजीनियर आया है, मतलब नई बिल्डिंग बन रही है, पुराने जो 5 साल पहले के कपड़े वो सब पुराने हो गए, अब उन सिविल इंजीनियर जो अपने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उन लोगों को नए नए वाले कपड़े देते हैं, कल को जोमेटो को नया कपड़ा दिया जाएगा, जोमेटो को नई बैग दी जाएगी, मतलब पुरानी भी चीज़ें जो है वो चीज़ें कुछ साल के बाद में डैमेज होती है, जैसे हमारा जीवन नष्ट होता है, हमारी चीज़ें नष्ट होती है, कल को मेरा लैपटॉप खराब हो गया, कल को मेरा मोबाइल खत्म हो गया, मेरे घर के अंदर चूना निकल गया, मेरे घर के अंदर ऑयल पेंट कलर था वो निकल गया, मेरा घर छोटा लगने लगा मुझे बड़ा, मतलब के हर चीज़ें जो होती है ना डिक्रीज होती है, आप कोई व्हीकल लेते हो तो वो व्हीकल भी पूरी जिंदगी नहीं चलता है, आप सोचो कि हर बार नई चीजें पंचवर्षीय योजना के अंदर आएगी तो आप पैसा कहाँ से लाओगे, बस सवाल मेरा एक ही है, तो पैसा वहीं से आएगा जहाँ पे आपको 1001% आपको एजुकेशन सही दिखाया जाएगा, जिसको कहते हैं कि भैया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो पूरी दुनिया करती है, पूरी दुनिया में FII करते हैं, DII करते हैं, प्रो करते हैं, इंस्टीट्यूशन लोग करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर करते हैं, गिरते हुए भी करते हैं और चढ़ते भी करते हैं, प्रमोटर लोग क्या करते हैं 1200 रुपये पे खड़े रहते हैं, 90 रुपये का लोअर देखते हैं, उसके बाद में भी वो लोग कमाते हैं, मतलब कि ये चीज़ें जो होती है ये आप अगर सीखोगे तो ही मार्केट आपको आएगा, थोड़ा बहुत नुकसान तो सहना करना पड़ेगा, नुकसान भी कर तो फायदा नहीं है ना, देखो नुकसान के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसने नुकसान देखा और जिसने नुकसान को लिखा और जिसने नुकसान की वजह लिखी उसे ही ये मार्केट कमा के देगा, सीधा सीधा मुनाफा लेने आओगे तो इतना जरूर बता दूं कि लॉस कवर स्ट्रेटजी है जो सरकार की हमारी खुद की रणनीति की है, सरकार खुद भी लॉस में होती है और खुद लॉस में होके सरकार खुद मुनाफा कमा के लोगों को कर्ज दे देती है, कंपनियां खुद भी लॉस देखती है और खुद लॉस देखने के बाद में इनका भी कर्ज वो धीरे धीरे पूरा करती है। 14 साल का वनवास तो भैया राम जी को भी हुआ था बराबर, रणछोड़ राय जी को भी द्वारिका छोड़ के जाना पड़ा था, उनको जो उनका जो बोलते हैं ना रणछोड़ राय नाम कैसे पड़ा था, उनको भागना पड़ा था, पांडव को भी वनवास हुआ था बराबर, यहाँ तक कि जो सत्यजी राजा राजा हरिश्चंद्र रहते थे जो एक राजा थे तो उनको भी कष्ट हुआ था, तो मेरा कहने का मतलब है आप अगर सत्य के मार्ग पर चल रहे हो और सिस्टमेटिक रहना चाहते हो, अगर गोल प्लान बनाना चाहते हो तो तकलीफ तो भैया आपको भी पड़ेगी, बिकॉज कि आप ईमानदार हो, लास्ट कंटेंट मेरा है कि आप ईमानदार हो तो तकलीफ तो आपको पड़ेगी, लेकिन तकलीफ का सामना जो करता है, जो सीढ़ियां चढ़ते जाता है और तकलीफों को सीढ़ी बनाते जाता है और सीखते जाता है, लिखते जाता है, समझते जाता है, कॉन्ट्रा को समझते जाता है, दिनों को देखते जाता है, जैसे कि भैया छतरी जो है तब लाते हो जब छाते की सीजन आने वाली हो, मतलब कि भैया बारिश आने वाली हो, बाढ़ आने से पहले है ना बड़ी दीवार बना दी जाती है जिसको कहते हैं बांध, नर्मदा का बांध है ना, देखा है ना आपने, बाढ़ नहीं आएगी इसलिए नर्मदा का बांध बनाया, ऐसे कई सारे बांध जो सही राज्यों के अंदर बनाए गए, कहने का मतलब बहुत आसान भाषा के अंदर जीवन में कोई भी उन्नति करनी हो तो सीख कर करे, समझ कर करे, आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो और वाणी के साथ मैं विराम करता हूँ, चाहता यही हूँ कि सीखे समझे, ये मेरा नंबर जो है आपको यहाँ पर मिला है, डीमैट ओपन करना है और आपको सीखना है और अंडर वैल्यू एसेट सीखनी है दोनों तरफ की और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी सीखनी है, और देख लो यहाँ पर जो कुछ भी मैंने लिखा, लेकिन मैंने इतना बोला कि भाई साहब अगर मान लो मेरे टारगेट हिट हो रहे हैं तो आपको पुट नहीं लेनी है, मेरे टारगेट हिट हो रहे मेरे पुट नहीं लेनी है, इतनी चीज़ें मैंने कहता गया, और 11 बजे का टाइम फ्रेम जो है यहाँ पर मैंने सीधा सीधा लिखा था 11 बजे टाइम फ्रेम है, तो मेरे ग्रुप के अंदर जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर आपको 11 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर कॉल ही दिखाई देगी, ना कि पुट दिखाई देगी, मतलब कि जब पता होता है कि मार्केट दिशा बदल रहा है और मार्केट नया सपोर्ट ले रहा है, मतलब कि हमें वहाँ पर लोगों को कॉल निर्देश करनी चाहिए, मतलब कि ग्रुप में ना कोई बंदा जो है नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब अगर मार्केट खुद कॉल में जाना चाहते हो तो बिना पुट क्यों ले, तो देख लो यहाँ पर 11:06 पर क्या लिखा है, कॉल उड़ेगी अब, लिखा कि नहीं लिखा है, और ये कॉल उड़ेगी मतलब कि 11 बजे अगर मैंने लिखा कॉल उड़ेगी मतलब कि उन्होंने ना पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वहाँ पर चेंज कर दिया, मतलब किसी ने भी वहाँ पे सेटलमेंट करने नीचे नहीं गए, अगर मान लो यहाँ पे सेटलमेंट करने आता ना तो समझ लो कि बहुत लोग है ना निकल जाते, लोग भराते नहीं, मतलब कि जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पुल पे खड़े थे और वो लोग ये चाहते थे कि भैया हमें थोड़ा बहुत मुनाफा मिल जाए तो बहुत हो गया, मान लो कम से कम मुनाफे में बाहर निकल जाएगा, तो सबको है ना लपेट के ले लिया ऊपर और सबको यहाँ पे इतना लॉस में डाल दिया कि वो जो बंदा है ना उसको लॉस बुक करना यानी उसकी मजबूरी बन गई, अब वो सेटलमेंट नहीं कर सकता क्योंकि इनके पास है ना इंडेक्स बैंक जितना पैसा नहीं है,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये मार्केट के अंदर कि इंडेक्स में जितना पैसा हो तो ही आप लॉस कवर कर सकते हो। आप 7 दिन 8 दिन इंतजार करके भी आप लॉस कवर कर सकते हो, लेकिन इंडेक्स में जितना पैसा नहीं हो तो आप कवर नहीं कर सकते। आशा करता हूँ मेरी अब वीडियो में पूरी करता हूँ। थैंक यू दिनेश, शुक्रिया बार, जय हिंद जय भारत।